हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अभिषेक फोंगसे, कॉम्पिटिशन कोचिंग यूट्यूब चैनल। और चलिए, अभी मैं आपको रेलवे के नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को मतलब अपडेट कर देता हूँ। आज का जो तारीख है वो 20 तारीख, 20 नवंबर है। इसका रेलवे का जो है वो हम सबसे पहले RRB मुजफ्फरपुर निकाल लेते हैं। तो RRB मुजफ्फरपुर का नोटिस बोर्ड हम देख लेते हैं, तो इसमें कहाँ पर क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। तो फिर ये एक लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर मेरे को दिख रही है, जो कि 12/11 का ही। इसका तो मैं आपको बता दिया था, जो कि जिसमें की खास बात है कि आपको ALP का जो सेकेंड एग्जाम है वो आपको 24 दिसंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट न्यूज रेलवे की तरफ से यहाँ पे कुछ भी नहीं है मुजफ्फरपुर बोर्ड में। अब एक दो बोर्ड और हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है आपको एक जगह पे भरोसा नहीं करें। मतलब कि हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट नोटिस हो और मुजफ्फरपुर बाद में दे, तो हम फिर से हम चेक करते हैं किसी और बोर्ड को। चलिए, अब देखते हैं RRB कोलकाता को। ये RRB कोलकाता में एक नोटिस है, जो कि है आप लोगों को द CBT2 एग्जाम फॉर CEN Category 1 2018 विच हैज अर्लियर डिसाइडेड टू बी हेल्ड फ्रॉम 12/12/18 हैव बीन पोस्टपोन्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि CBT2 एग्जाम जो था ALP टेक्नीशियन का होने वाला, वो स्थगित कर दिया गया है, वो अभी स्थगित रखा गया है। जबकि पिछले वाला वैकेंसी जो आप देखे थे, इसमें यहाँ पे इसमें क्या 24 दिसंबर दिखा रहा है, जबकि इसका लेटेस्ट जो है वो कोलकाता है, जो कि अभी बोल रहा है कि स्थगित है। तो हो सकता है कि 24 को जो नोटिफिकेशन दे रहा है यहाँ पे, 24 को वो नहीं हो, जो कि अच्छी बात होगी एक तरह से। हमने इसे बनाया था एक वीडियो, तो 14/12/18 को होने वाला था, जो कि अपने निर्धारित तिथि और समय पर होगा। तो फिर ऐसा रेलवे क्यों कर किया था, जैसे कि जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब यहाँ पे फिक्स था, तो फिर इसको ग्रुप डी को हटा करके फिर किया ALP, और फिर अब ALP को स्थगित करके फिर किया ग्रुप डी। तो ऐसे में तो स्टूडेंट को ही प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब अब कर रहा ग्रुप डी से संबंधित। अब दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, अब एक्स्ट्रा कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं है। चलिए, एक नया नोटिफिकेशन आपको मिला RRB कोलकाता की तरफ से। चलिए, अब हम आते हैं RRB मुंबई। चलिए, RRB मुंबई आ गया। इसमें भी वही है, सेकेंड स्टेज एग्जाम 24 को होगा। एक कुछ जो बैक का रिजल्ट दिया था, 2014 का रिजल्ट अभी दे रहा है वेस्टर्न रेलवे स्टेनोग्राफर का। तो जो लोग इसे संबंधित है, आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर, उसका फाइनल रिजल्ट दिया है। जूनियर इंजीनियर का जो अभी कुछ का दे रहा है रिजल्ट, वो भी आपको इसे संबंध रखते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अभी और कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तीसरा
एग्ज़ाम का ट्रेड वगैरह है, तो आप यहाँ से आप देखते, आपको जो भी एग्ज़ाम का ट्रेड देखना हो यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं एक साउथ इंडिया में रेल भर्ती बोर्ड में, चलिए RRB चेन्नई की तरफ चलते हैं। गुड्स गार्ड का जो वैकेंसी निकला था 2015 में, तो उसका फुल एंड फाइनल रिजल्ट दिया है RRB चेन्नई की तरफ से 24 स्टूडेंट का। हो सकता है इसका छूट गया हो, प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ गुड्स गार्ड, गुड्स गार्ड के लिए दिया है। चलिए और देख लेते इसमें और क्या खास है। ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन के बारे में था और कुछ नहीं। तो अभी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल चुकी होगी RRB की तरफ से। तो फिर यही था इस वीडियो में, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि हम आपको यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ देते रहते हैं, तो बस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चाहिए हमारे कोचिंग का, ये मेरा कोचिंग है, तो नोट्स या फिर मेरा कोचिंग का डायरेक्ट कोचिंग, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, और मैं कोशिश करता हूँ कि डेली कोई नोटिफिकेशन छूटे ना, इसलिए हम डेली अपडेट आप लोगों को करते रहें, तो इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।